हे गाइस, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई डॉक्टर शिवा राजकुमार की मच अवेटेड एक्शन पैक्ड फिल्म गोस्ट को लेकर, जो कि एक प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म है, जो कि रिलीज हुई है कन्नड़ा भाषा के अलावा डबिंग लैंग्वेज तमिल, मलयालम, हिंदी और तेलुगु में भी, जहाँ पर इसको पब्लिक की तरफ से बिल्कुल नॉर्मल रिस्पॉन्स मिल रहा है। कहने को आपको पता ही होगा, डॉक्टर शिवा राजकुमार की फिल्में कन्नड़ा लैंग्वेज में भी डबल डिजिट की ओपनिंग इजीली ले लेती हैं। लेकिन अगर बात करूँ मैं गोश्त को लेकर, चूँकि एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसे कि रिस्पांस बिल्कुल नाके बराबर मिल रहा है। बात की जाए इसके बजट की, तो बजट है इस फिल्म का 15 करोड़ रुपए का, जो कि नॉर्मल बजट है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के कलेक्शन की, इस फिल्म के फर्स्ट डे ओपनिंग की, कि फिल्म आज पहले दिन कितना कलेक्शन कर रही है। इंडिया टाइम्स रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म आज पहले दिन 2 करोड़ का इंटरनेट कलेक्शन कर सकती है कन्नड़ा लैंग्वेज में। तो वहीं पर ये फिल्म ऑल ओवर प्रॉपर पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर मैक्सिमम कलेक्शन कर रही होगी 4 करोड़ की रेंज में। यानी कि अगर ये फिल्म इस तरह से भी कलेक्शन करती है तो इजीली अपने बजट को रिकवर कर जाएगी। लेकिन ये फिल्म एक एवरेज हिट कहलाएगी, ये फिल्म प्रॉपर हिट नहीं हो पाएगी। फिल्म की स्टोरी काफ़ी कमाल की बताई जा रही है, काफ़ी अच्छे इसके एक्शन सीक्वेंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म एक एवरेज हिट बनकर रह जाएगी। यहाँ तक कि इसका प्रमोशन बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, सलमान खान ने भी इस फिल्म को प्रमोट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म एक एवरेज हिट फिल्म मानी जाएगी। फिर भी आप लोगों ने गोस्ट मूवी देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, इसकी स्टोरी कैसी लगी, आपकी राय क्या है, ओपिनियन क्या है, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।